नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आधार कार्ड बनाने के नाम पर हो रही अवैध धन वसूली। आधार कार्ड संशोधन के नाम पर अवैध धन वसूली का सिलसिला लगातार जारी है। कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक चौरसिया द्वारा लिए जा रहे हैं आधार कार्ड के नाम पर रुपए। BSNL एक्सचेंज ऑफिस बना अवैध धन उगाही का जाल। 170 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की हो रही उगाही। BSNL एक्सचेंज STO के संरक्षण में चल रहा अवैध धन वसूली का धंधा। कई महीनों से BSNL एक्सचेंज ऑफिस में चल रहा अवैध आधार कार्ड संशोधन के नाम पर अवैध वसूली का कारोबार। पूरनपुर कोतवाली शहर के BSNL एक्सचेंज का पूरा मामला। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, रमेश सक्सेना की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजीव सर। कहाँ से? खमड़िया पट्टी से। क्या समस्या है आपकी? सर, समस्या ये है, सिरसा चौराहे बेसमेंट टावर के ऑफिस में मैं आधार कार्ड को संशोधन करवाने गया था, तो मैंने भैया से पूछा था कितना खर्चा आ जाएगा आधार कार्ड संशोधन में। उनने कहा था 200 रुपये हो जाएगा, तो मैंने कहा सर 50 रुपये जाते हैं, तो उनने कहा 200 रुपये जाएंगे। कह रहे ज़्यादा चलो, फिर मैंने दोबारा कहा मैं 200 रुपये नहीं जाते हैं, तो उनने कहा था 170 रुपये हो जाएंगे। मैंने इससे कम में नहीं होगा? कह रहे इससे कम में नहीं होगा, जहाँ मर्जी करवा लो और कहीं जाके करवा लो। फिर उन्होंने बोला कि 170 रुपये जाएगा, तो आपने क्या बोला? सरकार का तो 50 रुपये है अतिरिक्त शुल्क, ठीक है, तो उन्होंने क्या बात रखी अपनी? उनने की और कहीं करवा लो, हम नहीं करेंगे तुम्हारी। अच्छा, उन्होंने 170 रुपये ही मांगे? हाँ। 200 रुपये सिर्फ 30 रुपये कम किए और बिल्कुल नहीं? जी। अच्छा ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ। अच्छा, यहाँ क्या करवाने आए थे? संशोधन। कितना रुपए लिए? 150। अच्छा, कहाँ निवासी आप? पटियन। अच्छा, आपको पता है कितना रुपए लिया जाता है? नहीं पता ना? क्या सही करवाया? नाम। नाम गलत था? और भी कुछ? और सिम वगैरह दिए हैं आपको? ना। ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? मोहित। क्या करने आए थे आप यहाँ पर? आधार संशोधन करवाने आए थे। कितना पैसा लिए हैं? 150 रुपए। कहाँ के निवासी हैं आप? हरियापुर। हरियापुर कहाँ पे पड़ता है? पास। अच्छा, जिला कौन सा लगता है अपना? पीलीभीत। तहसील? क्या नाम है बेटा आपका? पायल। क्या करवाने आए थे आप? नाम गलत बोले रहा। अच्छा, सही हो गया नाम, उम्र। अच्छा, क्या कहते हैं, कितना पैसे लिए हैं आपसे? 150 रुपए। कहाँ रहते हो? पटियन। कहाँ पे पड़ता है पटियन? सेरमाऊ के पास। ठीक। क्या नाम है आपका? यहाँ पर क्या करने आए थे आप? आधार बन गया, संशोधन करवाया। कितना पैसा लिए? 150 रुपए। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? पटियन सेरामऊ। तहसील कौन सा लगता है आपका? जिला है आपका? सूरज राव। किस गांव से हैं? मटेना कॉलोनी। अच्छा, क्या समस्या है आपके? सर, मैं आधार कार्ड संशोधन करवाने गया था, जो कि पूरनपुर में सिरसा चौराहे के बेसनल ऑफिस में गया था, तो उनसे मैंने करवाने के लिए बोला, वो बोल रहे हैं 200 रुपये चार्ज जाएगा। मैंने कहा सर जो 50 रुपये चार्ज जाते हैं। उन्होंने कहा 50 रुपये यहाँ करवाना है करवा लो, यहाँ पे हमारे 200 रुपये चार्ज जाते हैं, हम 200 रुपये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर? फिर मैं सर उन लोगों से बोला सर कर लीजिए सर, हमें बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो सर मेरा बहुत ज़रूरत था, तो मैंने 200 रुपये में मजबूरी में करवाया सर, 200 रुपये में अपना। जब आप वहाँ थे तो दूसरों का आधार कार्ड बना रहे थे जब वह लोग, तो और लोगों से भी पैसे वसूले होंगे? जी सर, बहुत लोग थे। अच्छा, ऐसे सभी लोगों से शुल्क, अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता होगा? जी सर, सभी लोगों से लेता था। अच्छा ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, क्या समस्या है आपको? आधार कार्ड बनवाना है। अच्छा, आधार कार्ड बनवाना। कितना रुपए लिए हैं? संडे को बनवाया था मैंने, 3 बच्चों को। अच्छा, तो 170 रुपए। अच्छा, आपको पता है कितना फीस है? इतना तो मुझे नहीं पता।
₹50 फीस है सरकार के? पता नहीं भाई, सारे लोग दे रहे थे महंगा भी दे रहे। अच्छा, सभी लोगों से ये दो तीन लोग 170 ही ले रहे हैं। अच्छा, खांग निवासी हैं? सिमरिया तालुक के महाराजपुर। सिमरिया तालुक के महाराजपुर, तहसील पूरनपुर लगता है जी। ये आपने कहाँ पे बनवाया था? ये BSNL एक्सचेंज पे। BSNL एक्सचेंज पे। अच्छा, आपने इसका कोई पूछा नहीं कि कितना चार्ज है सर? नहीं। अच्छा, ₹170 मांगे दे दिया आपने। और कोई सिम वगैरह भी दी थी आपके? नहीं, उस दिन तो नहीं दी। सिम नहीं दिया ना? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार 7 TV न्यूज़।